हेलो टू एवरी वन, दिस इज राम एंड आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये पहला चैप्टर है और 11th की फिजिक्स का, और इसके अंडर एवरीथिंग कवर होगा, चाहे वो आपके IIT के लिए हो, चाहे वो आपके NEET के लिए हो, या आपके किसी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है? जो CBSE का सिलेबस है वही सिलेबस एज इट इज फॉलो किया जा रहा है, जिस सिलेबस को NTA भी आइडेंटिफाई कर चुका है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अगर आप सिलेबस के बाहर कुछ भी पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ भी पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी क्वेश्चन आना होता है वो आपके सिलेबस के अंडर ही आता है, आपके सिलेबस के बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता। हाँ, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा है, ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, वो आपसे क्या जानना चाहता है। तो आपको इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें जाननी है, आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, फिजिकल वर्ल्ड जानना है, और फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ आपको इसके सराउंडिंग्स को जानना है। क्लियर है? बस फिजिकल वर्ल्ड को जानना है और इसके सराउंडिंग्स को जानना है। इतना ध्यान देना कि क्या क्या जानना है। अगर ये सब क्लियर हो जाता है कि लर्निंग आउटकम हमारे पास क्या क्या हैं, तो आई थिंक कि चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है, आपको समझ में भी आने वाला है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको DPP में मिलेंगे। क्लियर है? DPP कहाँ मिलने वाली है तो ये भी क्लियर कर लो। ये जो DPP है, आपको चाहे कंटेंट हो या DPP हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर ना मिले तो टेलीग्राम पर सीधे सर्च करिएगा मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस, उसी नाम से आपका चैनल भी है टेलीग्राम पर, और आपको वहाँ पे सारे DPP, डेली के प्रैक्टिस सेट, डेली का कंटेंट, डेली की क्लास PPT, एवरीथिंग अवेलेबल है। जो हमें एडिशनल कंटेंट देना है वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। क्लियर है? हमें क्या जानना है यार, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी कि जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं या डायमेंशंस हैं। पहले देखो इसकी हमारे पास नीड क्या आई, सबसे फर्स्ट चीज़ है। तो हमारे पास अगर सपोज करो हम मैच खेल रहे हैं, चलो एक आज मैच खेलते हैं, ठीक है, मैच के थ्रू समझते हैं। और हम कैसे लेते हैं, अपने MSD दादा को। MSD दादा को जानते हो ना, एक ऐसा व्यक्ति जो विकेट के पीछे खड़ा होकर क्या कर देता है, मैच बदल देता है। ठीक है, चलो MSD दादा कहाँ खड़े हैं, मान लो विकेट के पीछे खड़े हैं। ठीक है, हम लोग विकेट बना लेते हैं, मैच खेलते हैं आज। ठीक, तो मान लो MSD दादा खड़े हैं, ठीक है, यहाँ मान लो MSD दादा खड़े हैं, ये खड़ा कर दिया हमने MSD दादा को। ठीक, यहाँ खड़े हैं विराट कोहली साहब, ठीक है, आपके कौन खड़े हैं, किंग कोहली खड़े हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ से बॉल डाल रहा है कोई बॉलर, ठीक है, यहाँ सहवाग दादा को बोल देते कि आप बॉल डाल दो। चलो अब देखो, सहवाग दादा ने बॉल डाली, ठीक है, मान लो पहली बॉल स्पिन कर गई, तो मान लो बॉल कुछ ऐसे चली गई, विकेट पे लगती भी नहीं गई बल्कि ऐसे चली गई। ठीक, विराट कोहली दादा ने देखा, मान लो अब यहाँ पे मैच देखने कौन आई है, उनकी वाइफ, कौन, सभी के अनुष्का भाभी। ठीक है, अब मान लो अनुष्का भाभी आपकी कॉल पर हैं, ठीक, विराट कोहली साहब ने कहा किसे कॉल पे, अनुष्का भाभी को, कि सहवाग दादा ने बॉल डाली और बॉल स्पिन कर गई, तो कहाँ गई है, लेफ्ट की ओर, कहाँ गई है, मान लो लेफ्ट की साइड में। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई, अगर बॉल इस जगह पड़ेगी तो कहाँ जाने वाली है, लेफ्ट की ओर जाने वाली है। अगली बॉल डाली सहवाग दादा ने, मान लो वो बॉल क्या कर गई, सीधे चली गई किसके हाथ में, MSD दादा के हाथ में। ठीक है, तो फिर विराट कोहली साहब ने क्या कहा, कोहली किंग ने कहा अनुष्का भाभी से कि भाई साहब, अगर यहाँ बॉल पड़ी तो सीधे कहाँ जाएगी, MSD दादा के हाथ में जाएगी। ठीक है, फिर मान लो नेक्स्ट बॉल उन्होंने यहीं पर डाल दी, बट अब वो बॉल क्या हो गई, मान लो क्रिकेटर ने, जो जो आपका बैट्समैन है, उसने क्या कर दिया, सिक्स मार दिया। ठीक, अब यहाँ पे बात क्या आई, बात ये आई कि बॉल तो सेम जगह पे पड़ी,
सेम एंगल से पड़ी, सेम डायमेंशन थी, सारी चीजें सेम थी, बट बैटर ने क्या किया, बैटर ने हिट कर दिया। तो अब क्या कहेंगे, विराट कोहली बोलेंगे कि सारी चीजें सेम थी, बट एक काम करो, अब थोड़ा सा आप अपने इस लॉ में इम्प्रूव कर लो कि अगर बॉल में भी हो सकता है कि MSD दादा के हाथ में भी चली जाए, और में भी हो सकता है कि बॉल सिक्स भी खा जाए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो है पूरा जो मैंने बनाया, ये पूरी क्रिकेट की टीम, ये सब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे हम देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब इस फिजिकल वर्ल्ड से क्या बने, कुछ फिनोमिना बने। क्या बने? कुछ फिनोमिना बने, ठीक है। इन फिनोमिना से मान लो निकल के आ गए कुछ लॉ। क्या निकल के आ गए? कुछ लॉ। किससे रिलेटेड लॉ निकल के आ गए? तुम्हारे रिलेटेड निकल के आए डायमेंशन से। क्यों? क्यों आप क्या देख रहे थे यहाँ पे? आप यहाँ पे देख रहे थे बॉल का एंगल, आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, बॉल की स्पीड। क्लियर है? आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, बॉल की हाइट। आप यहाँ पर क्या देखोगे, बॉल की टाइमिंग, कितनी टाइमिंग पे बॉल पड़ रही है। इज इट क्लियर? तो यानी ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इससे क्या बने, कुछ फिनोमिनाज बने। उन फिनोमिना से क्या निकले, कुछ लॉ निकले। लॉ किससे रिलेटेड निकले, डायमेंशन से। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे फिनोमिना चेंज होंगे। मान लो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, फिर हम मान लो वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ने लग जाए, तो फिनोमिना चेंज हो जाएंगे, तो उसके लॉ भी चेंज हो जाएंगे, तो उसके डायमेंशन भी चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यानी जो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, कुल मिला करके इस फिजिकल वर्ल्ड को समझना है, इस फिजिकल वर्ल्ड के सराउंडिंग को समझना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड के सराउंडिंग को समझना है, ठीक है। तो डायमेंशंस आज हम पूरे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होने वाले हैं। क्या लर्निंग आउटकम्स? तो जो पहला लर्निंग आउटकम्स होगा हमारा, वो निकलने वाला है, अंडरस्टैंड दैट फिजिकल क्वांटिटीज हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, पहला लर्निंग आउटकम, अगर मैं बोल दूं कि सपोज करो यहां पर a इंटू एन है, क्या है, a इंटू एन है। अब देखो इस n को आप मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे इसे और करके n इंटू ए लिख लो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो n क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है ये, इस बात को ध्यान देना। इज इट क्लियर? और ये a क्या है, एक यूनिट है। क्या है ये? यूनिट है। तो पहला लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा इस चैप्टर से, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें क्या क्या होगा, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट होगी। तो क्या बनेगा वो बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है n into a, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सेकेंड लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा, रिकॉल बेस क्वांटिटीज एंड यूज प्रीफिक्सेस, मीन्स की कुछ बेस क्वांटिटी, मीन्स जो फिक्स है पहले से। अब अगर सपोज करो मैं बोल रही हूं यहां मीटर है, ठीक है, ये भी क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। मैं बोल दू किलोमीटर, ठीक है, मैं फिर बोल दू सीधे लाइट ईयर। क्या बोल दू? लाइट ईयर। सब कुछ क्या है, सब डिस्टेंस की ही यूनिट्स हैं, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो लाइट ईयर हो। तो यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक बेस है। क्लियर है? अब अगर हमें डिस्टेंस बहुत छोटी मेजर करनी है, तो हम सेंटीमीटर मिलीमीटर जहां तक चले जाएं चले जाएंगे, ठीक है।
हमें बहुत बड़ा मेजर करना है, लाइट ईयर तक चले जाएंगे। यानी क्या निकलेगा नेक्स्ट आउटकम कि रिकॉल बेस क्वांटिटी एंड यूज प्रीफिक्सेस, कि आप बेस क्वांटिटी को क्या करो यूज करो और आप प्रीफिक्सेस लगाकर जो भी डायमेंशन आपको मेजर करनी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपको चाहिए, जो भी मेजरमेंट करना है, जो भी यूनिट आपको फाइंड करनी है, आप इजीली फाइंड कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? चलो, जो नेक्स्ट आउटकम है वो निकलेगा सो इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एक ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के अंडरस्टैंडिंग हमें शो करनी है, ठीक है? क्लियर है ये बात कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इज इट क्लियर? देन जो हमारा एक अगला आउटकम निकलेगा वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्या है, सिंपल सी बात है, स्केलर के अंदर आपको केवल मैग्नीट्यूड पढ़ना है, जिस भी अमाउंट में, जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी ऑब्जेक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। मींस इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, ओनली किससे लेना देना है, मैग्नीट्यूड से। इज इट क्लियर? वेक्टर से क्या होगा, वेक्टर में कुल मिलाकर के दो बातें निकल करके आएंगी, एक यहाँ पे डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए और दूसरी बात मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए। गौर से समझते चलना, कॉपी पेन लिए बैठे रहना, जो भी नोट डाउन कर रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, सभी को अपने अपने नोट्स बनाने हैं, बाकी पीपीटी आपको मिल जानी है, बट अपने नोट्स बहुत समझ में आते हैं, इस वजह से खुद के नोट्स बनाना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। क्लियर है ये बात? तो वेक्टर में क्या क्या बातें, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि हमें क्या देखना है, हमारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और दूसरी बात मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि एक कार है, सपोज कर लो एक कार है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से, बट डायरेक्शन नहीं पता, क्या नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक वेलोसिटी है, स्पीड है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है। इज इट क्लियर? तो हमें डायरेक्शन नहीं पता, ओनली क्या पता है कि 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, मीन्स एक कार जो है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। अगर मैं यही बोल दूं कि जो कार है वो कार 5 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट में जा रही है, ठीक है, या मैं बोल दूं ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, सिंपल सी बात ये हो गई कि यहाँ पर डायरेक्शन भी क्लियर है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी क्लियर है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जो नेक्स्ट आउटकम है वो क्या होगा, डिटरमाइन रिजल्टेंट वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसको थोड़ा समझना, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ, मैं इसलिए यहाँ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, कि लर्निंग आउटकम्स बहुत जरूरी होते हैं, हर चैप्टर के पहले लर्निंग आउटकम्स ही हम समझा करेंगे, देन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने मेथड से ही पढ़ाऊंगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं अपने मैथड में कभी भी चेंजेस नहीं करता। क्लियर है? जैसा मुझे पढ़ाना पसंद है वैसा ही मैं पढ़ाता हूँ, किसी को कोई फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो डिटरमाइन रिजल्टेंट वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, यानी जैसे सपोज कर लो मैं एक बात बोलूं कि एक कार है, यहां से मान लो इसे कहां जाना है, नॉर्थ में जाना है, ठीक है, फिर सपोज कर लो इसे यहां से इस डायरेक्शन में भी जाना है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा, इसके बीच में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो कहाँ है रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहेगा, बात समझ में आ रही है? तो डिटरमाइन रिजल्टेंट वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट आउटकम, मेजर लेंथ विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, हम लोग आपको जो है इसमें माइक्रोमीटर भी देखेंगे, ठीक है, माइक्रोमीटर भी देखेंगे,
और बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा इंस्ट्रूमेंट का, चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हों, सारे इंस्ट्रूमेंट कराए जाएंगे। अगर किसी का फार्मूला ड्राइव हो रहा है, किसी का फार्मूला ड्राइव हो रहा है या न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो वो भी आपको डीपीपी में ही मिलेंगे। क्लियर है? प्रैक्टिस आपको करनी है, जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, टाइम फालतू में बर्बाद नहीं करना है। क्लियर है? जो नेक्स्ट आउटकम होगा वो क्या होगा, मेजर शॉर्ट इंटरवल, यानी अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम को मेजर करना है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यूजिंग स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच जानते हो ना सभी लोग, देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी। अगर आजकल सबके पास फोन है तो हर इंसान के पास स्टॉपवॉच है। क्लियर है? तो हमें यहाँ क्या करना है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना है। किसके थ्रू मेजर करने वाले हम, स्टॉपवॉच के थ्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो ये समझ लेना चैप्टर बहुत ही बहुत सिंपल होने वाला है। अगर इतनी बातें क्लियर नहीं हुई हैं, जो भी ये 6 to 7 पॉइंट्स हैं, तो समझ लेना चैप्टर टफ हो जाएगा। अगर जिसके दिमाग में ये बातें जा चुकी हैं, तो समझ लेना चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब यहां पर बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। बात समझ आ रही है? मैंने पहले ही समझा दिया कि क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, उससे जुड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो उनको क्या करें, हम लोग कंबाइन करना चालू कर दें, क्या बन जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी टाइप की है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर फिजिकल क्वांटिटी तो है हमारे पास, हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, जो मेजरेबल ही नहीं है, तो हम तब भी उन्हें फिजिकल क्वांटिटी में गिनेंगे, ठीक है। तो मैटर क्या है, मैटर ये है कि जो है एक होती है क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव मीन्स जो मेजरेबल हो, कैसी हो, जो मेजरेबल हो, जैसे हम मेजर कर सकें, जैसे का हम अमाउंट बता सकें, जिसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है मेजरेबल है, जिन्हें मेजर कर सकते हैं। लेंथ में मेजर कर सकता हूं, हाइट में मेजर कर सकता हूं, वॉल्यूम में मेजर कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्वालिटी। क्या क्वालिटी मेजर हो सकती है? आपके अंदर सपोज करो बहुत अच्छा हुनर है, आपके अंदर डांस का हुनर हो सकता है, आपके अंदर ब्यूटी का हुनर हो सकता है ना, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, क्या आप उसकी प्रॉपर्टी को, क्या आप उसके गुण को मेजर कर सकते हो? किसी का गुण मेजर नहीं किया जा सकता। आप उसे ये नहीं बता सकते कि इसके पास 2 किलो जो है गुण है, 2 किलो प्रॉपर्टी है, ये 3 किलो सुंदर है, ऐसा बोलते हो क्या कोई? यानी आप किसी की ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते। तो कैसी है, वो क्वालिटेटिव है, यानी ये मेजरेबल नहीं है। क्या नहीं है, मेजरेबल नहीं है। तो जिस भी अमाउंट को मेजर ना कर सको वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो होगी आपकी क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जिन्हें मेजर कर सको वो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या ये बातें क्लियर हैं? आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? चलो तो हमें इसमें क्या क्या देखना है, मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन फिजिक्स आर क्वांटिटेटिव, यानी कि जितने भी हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं वो कैसे हैं, वो हमारे कहते हैं क्वांटिटेटिव हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं।
यानी कैसे हैं, मेजरेबल हैं, जो मोस्ट ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस हैं फिजिक्स के वो कैसे हैं, मेजरेबल हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, क्वालिटेटिव हैं, यूजली इम्प्रिसाइज हैं, जिनका कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है। मैंने जैसे बोला, आप किसी की सुंदरता को बता नहीं सकते। सपोज करो कोई बहुत काला इंसान है, आप उसे देख के क्या बोलोगे, यार बड़ा काला इंसान है ना। आप सपोज करो वही काला इंसान साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हो, तो अब उसे आप काले इंसान के नाम से जानोगे या साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के नाम से? यानी आप किसी के कलर से या किसी की ब्यूटीनेस से आप उसका अमाउंट नहीं पता कर पा रहे हो ना, मैग्नीट्यूड पता नहीं कर पा रहे हो। तो जो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे क्या है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, हाउ डू यू मेजर आर्टिस्टिक ब्यूटी, आप किसी की आर्टिस्टिक ब्यूटी को कैसे मेजर करोगे, ये तो बहुत टफ काम है। एंड क्वांटिटेटिव में, व्हाट कैन बी मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट ऑन एन एयरप्लेन, आखिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एयरप्लेन में क्या क्या मेजर कर सकते हैं या क्या क्या मेजर किया जा सकता है। तो एयरप्लेन के अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम चीजें, चाहे उसकी स्पीड हो, चाहे अल्टीट्यूड हो, ठीक है, चाहे वेदर हो कि वेदर कैसा है, अगर वेदर नहीं पता चलेगा तो प्लेन कहीं भी जाके क्रैश कर सकता है। कोई डायरेक्शन हो, है ना, डायरेक्शन हो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप उसके अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट से एवरीथिंग मेजर कर सकते हैं। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है या कैसी ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वालिटीज है या क्वांटिटीज है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है ये बात? तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो आप फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। की वर्ड को पकड़ना, जो बोर्ड के एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जिन्हें बोर्ड के एग्जाम देने जाना है, या जो 11th क्लास में है, जो स्कूल के एग्जाम लिखने वाला है, तो हमेशा एक बात ध्यान देना, डिफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, बट आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। आप कीवर्ड के साथ कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफिनेशन कीवर्ड पर डिपेंड होती है। हमेशा याद रखना, डिफिनेशन कीवर्ड पर डिपेंड होती है। अगर आपके वहां पे कीवर्ड मेंशन है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपकी डिफिनीशन को रॉन्ग कर दे, और अगर कीवर्ड मिस है तो आपकी ताकत नहीं है कि टीचर से नंबर ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान देना। तो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी वह है, कौन सी, कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जा सकती है, और किस किस चीज से बनी है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स से। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सपोज ये क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर किसी की स्पीड गिवेन है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है, ये है यूनिट। तो यानी हमने इसे क्या किया, इसे हमने मेजर भी कर लिया कि हाँ भाई 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 70 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, मेजरेबल होगी। तो यहाँ क्या है, कैन बी मेजर्ड, हाँ भाई मेजर कर सकते हैं, और किससे किससे, यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 70, और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? जैसे इसकी हाइट है 4.5 मीटर, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, 4.5, और यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है।
क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सपोज व्हीकल्स नॉट एक्सीडिंग 1500 किलोग्राम इन अनलेडन वेट, इज इट क्लियर। तो एसआई यूनिट आर कॉमन टूडे। तो ये जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ये देख लो, ये आपकी एक स्केल है ना, ये स्केल से भाई सब क्या मेजर कर रहे हैं, कोई सीट मेजर करने में लगे हुए हैं, तो आप मेजरिंग लेंथ, क्लियर है। तो आजकल हम कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, ज्यादातर एसआई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपको ध्यान देना है कि एसआई यूनिट भी पढ़नी है, आपको सीजीएस सिस्टम भी पढ़ना है। आप केवल अगर कहीं पर गोलमाल कर सकते हैं तो है एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड और सेकेंड, जैसे आप हल्का सा गोलमाल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ाऊंगा, इसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, पहला है एक बेस क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटीज, क्लियर है। अब देखो ड्राइव क्वांटिटीज होता कैसा है। ड्राइव क्वांटिटीज इज लाइक द हाउस, एक घर की तरह है। कैसे? क्यों? कि ये जो घर है ना, ये एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, देख पा रहे हो, ये छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, यानी कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स। तो किससे मिलकर बना है? कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स से। तो जो बेस क्वांटिटी है वो क्या होगी? ये ब्रिक होगी। क्या होगी? ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हैं वो क्या होंगी? बेस क्वांटिटीज होंगी। और उन ब्रिक्स से, उन ईंटों से ये पूरा घर बन गया, तो ये जो हाउस है ये कैसा होगा? ये ड्राइव क्वांटिटीज होगी। सेम यही बात हम किताबी लैंग्वेज में पढ़ना चालू कर देते हैं कि भाई ड्राइव, जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उन्हें हम ड्राइव कर रहे हैं थ्रू द बेस क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटीज कैसे ड्राइव होंगी? थ्रू द बेस क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आप एक तरह से बोल सकते हैं जो बेस क्वांटिटी होगी, क्या जो बेस क्वांटिटी होगी वो आपकी फंडामेंटल होगी, आप ये कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए कि कैसी होगी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, क्लियर है। ये सब केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, ये मत सोच लेना कि आईआईटी में यहां से सवाल आने वाला है। आईआईटी में सवाल डायमेंशन से आता है और डायमेंशन से मैं बहुत कराने वाला हूं प्रैक्टिस के साथ, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो बेस क्वांटिटी इज लाइक द ब्रिक, कैसी है? एक ईंटे के समान है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ हाउस। एक इनादर एग्जाम्पल से और समझ लो। सपोज करो हमारी बॉडी है, साइंस को साइंस की लैंग्वेज में और समझाता हूँ, ठीक है, चलो समझो क्या है बॉडी है, हमारा शरीर है। हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर बना है कलेक्शन ऑफ सेल्स से। कैसे बना है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की कलेक्शन से बना है। तो हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बॉडी को कंसिस्ट करता है, जो पूरी बॉडी को बनाता है, वो क्या है? सेल है। अगर हमारे पास सेल ना हो बॉडी में, तो हमारी बॉडी नहीं बनने वाली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो इतना बड़ा शरीर चल रहा है ना, इसे संभालने वाला कौन है? एक सेल है। कौन है? एक सेल। इसी वजह से बोलते हैं हर सेल को खाना देना जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के किसी भी पोर्शन में किसी भी सेल को अगर खाना नहीं मिला और वो सेल डेड हो गया, तो ये समझ लेना वो पोर्शन बॉडी का वीक हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो हमारी बॉडी है, आप उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये ड्राइव क्वांटिटीज है। क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज है। ये हमारा शरीर कैसा है? ड्राइव क्वांटिटीज। और जो सेल है वो कैसा है? वो तुम्हारा बेस क्वांटिटीज है, यानी फंडामेंटल है, जिसके बिना शरीर बन ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? तो जो सेल है वो कैसी क्वांटिटी है? वो बेस क्वांटिटी है।
जो बॉडी है वो कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इन द सेम वे ये जो घर है कैसा है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जो ब्रिक्स है वो कैसी है, आपकी बेस क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर आपको कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट में मुझे बोलिएगा, क्लियर है? तो जो भी डाउट सेशंस होंगे तो मैं सभी के डाउट्स लगाऊंगा एक एक करके, और उसमें सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आई होप कि डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी फिजिक्स को उतने भी हल्के में मत लेना कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। किसकी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती क्या है सबसे पहले, ठीक है? क्या एसआई यूनिट? ठीक है, जस्ट अ मिनट, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो सिंपली यहां समझना है, एसआई यूनिट साथ में हम कवर करेंगे, सीजे सिस्टम को भी कवर करेंगे, ठीक है? साथ में ही सीजे सिस्टम को कवर करेंगे और साथ में ही कंपेयर करा करके हम एफपीएस सिस्टम को भी कवर करेंगे, ठीक है? छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ने से कोई भी रास्ता नहीं निकलने वाला। सब कुछ पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में आ जाते हैं साइंस को लेके, पहले घर वालों के कहने पे, समाज के कहने पे साइंस ले लेते हैं कि हाँ हमें साइंस पढ़नी है, विज्ञान पढ़ेंगे, और जब वही विज्ञान सिरदर्द बनती है तो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में आ जाते हैं। तो प्रेशर में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, क्लियर है? सबको समझना है, सारी चीजें पढ़नी है और आराम से पढ़नी है। एक बार में समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे, मैराथन सेशंस लाएंगे। इज इट क्लियर? देखो एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कैसा सिस्टम है ये? इंटरनेशनल सिस्टम है। मींस क्या हुआ इंटरनेशनल सिस्टम का? देखो दुनिया ने ना हर एक चीज का अपना एक सिस्टम बना रखा है जिसके तहत दुनिया चलती है। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, उसके लिए दुनिया ने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई मैं अगर लेंथ को मीटर में मेजर करूंगा तो तुझे भी मीटर में ही मेजर करना है। यानी अमेरिका बोले कि मैं लेंथ को मेजर में जो है मीटर में मेजर करने वाला हूं, तो हाँ भाई तू भी मेजर कर, ठीक है? मैं फुट में मेजर करूंगा, ठीक है भाई कन्वर्जन लेके आ जा, है ना? कि अगर सपोज कर लो इंडिया में फुट नहीं समझ रहे हैं, गाँव में तो लोग फुट ही समझते हैं, अब गाँव में लोग मीटर नहीं समझ रहे हैं। मान लो सपोज करो एक गाँव का बंदा है, एक कहाँ से, गांव से है, सपोज कर लो मैं गांव से हूँ जैसे, ठीक है? और एक कहाँ का है, एक सिटी का है। अब सिटी वाले को फुट नहीं पता, हमें मीटर नहीं पता, समझ रहे हो? मुझे क्या पता है, मैं गांव से हूं तो मुझे क्या पता है, मुझे फुट पता है कि हाँ भाई फुट होता है, ठीक है? सिटी वाला बंदा क्या बोल रहा है, नो नो आई डोंट नो व्हाट इज फुट, है ना? तो ये मत कहना फुट इज माई लेग, ये मत कह देना कि फुट मेरा पैर है, नहीं, ठीक है? ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लोग गांव में समझ रहे हैं। तो आप शहर की लैंग्वेज गांव में कैसे समझाओगे, है ना? आपको तो मीटर समझ में आने वाली है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हैं सब, ठीक, बट मीटर मेरे को समझ में नहीं आना। तो एक सिस्टम बना दिया गया, कैसा सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया कि भाई हम फुट को मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। यानी गांव वाले की भाषा कौन समझ जाएगा, शहर वाला, ठीक है? और हम मीटर को फुट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी शहर वाले की भाषा कौन समझेगा, गांव वाला। इज इट क्लियर? मैंने पहले ही बोला है आपके आसपास फिजिक्स चलती है, आप ऑब्जर्व नहीं करते। चारों तरफ साइंस है। आप एक पेड़ को देखोगे तो भी वो साइंस से भरा है, आप एक पत्ते को देखोगे तो भी वो साइंस से भरा है, आप किसी चलते हुए इंसान को देखोगे तो भी वहां पूरी साइंस लगी हुई है। तो साइंस को किताबों से ज्यादा दुनिया से पढ़ो, तब साइंस बन जाएगी, तब मजा आएगा साइंस पढ़ने में, तब विज्ञान की भाषा समझोगे कि हाँ विज्ञान चलती कैसे है। क्लियर है ये बात?
तो क्या है, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है जिसे क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के अंदर क्या आएगी, एसआई यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अब देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्या ये बात क्लियर है? व्हाट इज दिस? तो यहां पे ध्यान देना है, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू कर रहा है आज फिर से, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहां से आपको डायमेंशंस पढ़ने को मिलेंगी, आपको यहां से फंडामेंटल जो भी यूनिट्स हैं वो आपको यहां से समझने की कोशिश करनी है, आपको यहां से उनके सिंबल्स याद करने होंगे, डायमेंशन फार्मूले के लिए भी सिंबल याद करने हैं। क्लियर है? और आपको जो है नॉर्मल डायमेंशन के लिए भी सिंबल आपको याद करने ही करने होंगे, विदाउट सिंबल याद किए, विदाउट डायमेंशन याद किए कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान देना। चलो अब ये देखो, ये क्या है, ये है प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। व्हाट इज दिस? ये क्या है, एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इस सिलेंडर को दुनिया ने किलोग्राम के लिए स्टैंडर्ड मान रखा है, कि जो एक्चुअल में एक किलोग्राम है ना वो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ही है। ये किसने मान रखा है, दुनिया ने। क्लियर है? और बाकी आप किलोग्राम हर जगह अलग अलग देखते हो, आजकल जो आपके पास टेक्निकल जो है मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट आने लग गए हैं वेट के, मास के, है ना, टेक्निकल आने लग गए हैं, तो उनमें अलग है, उनमें एरर का भी मैटर अलग है। तो जो एक स्टैंडर्ड है किलोग्राम का वो फिक्स कर रखा है दुनिया ने, क्या कि प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है जो, वही हमारा क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मास के लिए। इज इट क्लियर? चलिए अब देखो कुछ वर्ड हैं, ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी हैं। पहला एरिया, देखना, देखते चलना, है ना। तो एरिया को हम ड्राइव करेंगे, जैसे सपोज वॉल्यूम, देन डेंसिटी, आपकी स्पीड, क्लियर है, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, इनके फार्मूले याद रखने हैं। तो अभी जो फार्मूले होंगे सारे आगे आएंगे, तो आपको ये वर्ड सिंपली ब्रेन में होने चाहिए कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, वर्क क्या है, पावर क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एजेट क्लियर। तो ऐसा यूनिट्स आप सपोज करो, एग्जांपल ऑफ ड्राइव क्वांटिटी एरिया है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में लेंथ इनटू ब्रेड। तो अब देखो यहाँ पे क्या, लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, मीटर, और ब्रेड की भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यूनिट क्या निकली, मीटर स्क्वायर। सिंपल बेसिक मैथ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, तो यानी इसका पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, सिंपल सा मैथ का फार्मूला है। तो यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी एल बी एच, बोले तो एल बी एच, ठीक है, एल बी एच। अब देखो लेंथ की भी यूनिट क्या होगी भाई, मीटर, ये भी क्या है, एक टाइप से डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, बेस सेम है, पावर एड कर दो तो मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या होगी, मीटर क्यूब। अब डेंसिटी की मास पर वॉल्यूम क्या है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, तो यानी मास की किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, वॉल्यूम के भी हमने निकाली मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आई होप कि ये बात क्लियर होगी, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बातें सभी को?
यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? आई होप की बात क्लियर होगी। चलिए आप देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी रिलेशन विद बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है, यूनिट, इसके स्पेशल्स नेम क्या क्या हैं, तो ये सारी बातें आपको देखनी होंगी। पहले जैसे अगर देखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया क्या है, लेंथ एंड विड्थ अभी हम देख कर आए हैं, तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ऐसे वॉल्यूम का मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी का किलोग्राम, मास के लिए हो गया और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, ठीक है, इसका क्या है, स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी डिस्टेंस है, यानी मीटर, ठीक है, टाइम के लिए सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, बात को गौर समझना मेरे, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ पहले, एक्सीलरेशन को लेके, है ना, सारे मिथ खत्म हो जाए कि एक्सीलरेशन को लेके बातें क्या हैं, फिर हम आगे आएंगे। देखो एक्सीलरेशन समझना गौर से, एक्सीलरेशन जैसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। देखो एक्सीलरेशन क्या है, चेंजेस इन वेलोसिटी, चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डीवी बाई डीटी, क्या है, डीवी बाई डीटी। अब मेरी बात को समझना, ये जो वेलोसिटी है ये कहां से आई, यानी अगर स्पीड में चेंजेस हो डीएक्स बाई डीटी, अगर मुझे v निकालना है तो मुझे कहां चेंजेस करने होंगे भाई, स्पीड में, अगर स्पीड में चेंजेस होंगे तो वेलोसिटी आएगी, अगर स्पीड में चेंजेस होंगे तो वेलोसिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में चलता है, सर्कुलर मोशन में कोई बहुत बड़ी तीस मार वाली बात नहीं होती। क्लियर है? जिसे आप रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर जो आएंगे उनमें है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर स्पीड में चेंजेस होंगे, आई एम रिपीटिंग, अगर स्पीड में चेंजेस होंगे तो वेलोसिटी मिलने वाली है, वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो एक्सीलरेशन फाइंड होने वाला है। तो यानी अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं डीवी की जगह पर डी एक्स बाई डी टी लिख दूं, और यहां पर क्या है डी टी, तो ये क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, अगर एक्स क्या है, डिस्टेंस है ना, तो ये क्या हो गया मीटर, और टी क्या है, टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है ये भाई, ये है एक्सीलरेशन, जिससे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से मत कर देना, नहीं वो एरिया हो जाएगा, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी इसकी यूनिट क्या निकलने वाली है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान देना, क्या निकलेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स क्या है, एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास के लिए किलोग्राम, और हमने अभी एक्सीलरेशन क्या निकाली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, समझना, ये क्या है, एफ बाय ए, यानी एफ के लिए क्या है, मान लो यहाँ पे न्यूटन मान लो, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होगी न्यूटन, ठीक है, फोर्स के लिए, एरिया के लिए मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसका, प्रेशर, जैसे हिंदी में दाब बोलते हैं, क्या बोलते हो, दाब। इज इट क्लियर? वर्क के लिए क्या है, फोर्स, यानी फोर्स के लिए न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए मीटर, यानी क्या हो गई यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब वर्क के लिए देखो, वर्क के लिए हो गई पावर, पावर की क्या निकलेगी, न्यूटन इंटू मीटर, किसकी हो गई, वर्क की, और टाइम की क्या है, सेकेंड, क्या निकलेगी, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। तो रटना नहीं है, केवल फार्मूले याद रखने हैं, क्या याद करने हैं,
फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है फिजिक्स के लिए, फार्मूले। अगर आपको फार्मूले पता हैं, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप ना तो यूनिट वाले क्वेश्चन रॉन्ग करने वाले हो, ना आपसे डायमेंशन के क्वेश्चन कभी रॉन्ग होंगे, ना आपसे कभी न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, जो फार्मूले तैयार करने को रेडी है उसकी फिजिक्स की गारंटी मेरी, वो कभी इन तीन चीजों में फॉल्ट कर ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आप फार्मूले के बेसिस पर डिफिनीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफिनीशन भी बना सकते हो। तो जो मैं बोलूंगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स का, वो है फार्मूला। क्या है फार्मूला? आपको हर एक चीज का फार्मूला पता होना चाहिए। हाँ, मे भी हो सकता है आपके पास 100 फार्मूले हो जाएं, 200 फार्मूले हो जाएं, आर लॉट्स ऑफ फार्मूले इन फिजिक्स। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू लर्न, दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको बता रहा हूं। आपको फार्मूले तैयार करने हैं, मैं फार्मूला सीट अपने टेलीग्राम लिंक पर दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए अब देखो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, प्रीफिक्सेस का मतलब यहां पर सिंपल सा ये होता है कि जो आप कहां यूज करते हो, किसी के नेम के पहले यूज करते हो। इज इट क्लियर? कहां यूज कर रहे हो? किसी के नेम के पहले यूज कर रहे हो। मींस नेम के पहले कैसे? अगर सपोज कर लो मुझे कहीं लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, लेंथ मेजर करनी है। अब मान लो लेंथ मेजर करने के लिए मैंने बोला कि भाई ये इतने मीटर है। क्या है? इतने मीटर है। अब सपोज करो मुझे उसे किलोमीटर में बदलना है, तो जो किलो है वो क्या है? वो प्रीफिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, कोई लेंथ है मुझे मेजर करनी है, मुझे लेंथ मेजर करनी है, और वो लेंथ में मैंने मेजर किया, क्या मेजर किया भाई, कि मुझे उस मीटर को क्या करना है, किलोमीटर में तब्दील करना है। ठीक है, कहाँ तब्दील करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। अब ये जो किलो होगा ना, ये होगा प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स, यानी जो बेस क्वांटिटी के पहले आएगा। कहाँ आएगा? बेस क्वांटिटी के पहले आएगा। तो जो भी थिंग्स, जो भी यूनिट बेस क्वांटिटी के पहले आएगी वो होगी प्रीफिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स मैंने कहा मीटर है, मुझे मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो यहां पर ये जो किलो है ये क्या है? प्रीफिक्स है। क्लियर है? क्या है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्सेस सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जो हेल्प कहाँ करते हैं? जो हमें बहुत बड़ा अमाउंट है, जो हमारे पास बहुत बड़ी, जो बहुत छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल वेरी लार्ज क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई कर देता है लिखने में, पढ़ने में। क्लियर है? तो जैसे ये कुछ हमारे पास प्रीफिक्स है, नैनो है, माइक्रो है। क्लियर है ये बात? क्या क्या है? जैसे नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, सेंटी हो गया, ठीक है, डेसी हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। मैंने जब याद किया था तो मैंने ऐसे याद किया था, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। तो मैंने रट्टा मारा था, वो रट्टा आज तक मुझे याद है। तो आप भी रट्टा मार सकते हो, क्योंकि आपको याद ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इनका, प्रीफिक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी इन चीजों को याद करने में, तो मैंने सिंपली रट्टा मारा था। आप भी रट्टा मार सकते हो, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा तोड़ नहीं है कि कोई आएगा और आपको जो है जड़ी बूटी दे के जाएगा, नहीं भाई, घोल के पी ले और तुम्हें प्रीफिक्स याद हो जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, इनकी वैल्यू भी याद करनी है। नैनो के लिए क्या है आपका? नैनो के लिए 10^-9, माइक्रो के लिए 10^-6, मिली के लिए 10^-3, सेंटी के लिए 10^-2, देसी के लिए 10^-1,
किलो के लिए 10^+3, मेगा के लिए 10^+6, गीगा के लिए 10^+9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो ये सीधे बोलेगा ये इतने माइक्रो यूनिट है, ये इतने मिली यूनिट है, ये इतने सेंटी यूनिट है ना। तो आपको वहां पे याद रखना है, पीको होता है, फैक्टो होता है, बहुत सारे होते हैं, लॉट्स ऑफ प्रीफिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो आपको मेन मेन याद रखने हैं, जो आपको याद रखने की जरूरत है वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अल्टरनेटिव राइटिंग मेथड है ये, क्या है, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे n इंटू 10^n, वेयर n कहाँ लाई करेगा, 1 to 10 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? और स्मॉल n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। जैसे आप देखोगे दिस गैलेक्सी इज अबाउट 2.5 × 10^6 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। अब यानी अगर हमारे पास प्रीफिक्स ना होते ना भाई साहब, तो इसे मेजर करने के पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मीन्स प्रीफिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इन्वेंशन ऑफ जीरो था ना, कि जीरो के बाद दुनिया आगे बढ़ी, वैसे ही प्रीफिक्स है। कि अगर हमें मान लो अर्थ के सेंटर से सन को मेजर करना है ना, तो मुझे प्रीफिक्स की नीड पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं बता सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? द डायमीटर ऑफ दिस एटम इज अबाउट 1 × 10^-10 मीटर। तो जैसे मान लो न्यूक्लियस है, उसका हमें डायमीटर जानना है, किसी एटम का डायमीटर जानना है, हमें किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर जानना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रोड नहीं मेजर करनी है फिजिक्स और साइंस के अंदर, कि नहीं भाई रोड तो मेजर कर लेंगे हम। आपको न्यूक्लियस भी मेजर करना पड़ सकता है, हमें एक छोटी से छोटी चीज मेजर करनी है, हमें कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है उसे भी मेजर करना है, हमें कोई माइक्रोवेव्स दिख रहा है उसे भी मेजर करना है, हमें अगर कोविड को पढ़ना है तो हमें कोविड को स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है, कहाँ प्रोटीन की लेयर है, कितनी मोटी प्रोटीन की लेयर है, कितनी लिपो प्रोटीन है, कैसे बना है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसके फंडामेंटल ड्राइव्स क्या है, उसके फंडामेंटल बेसिक्स क्या है, हाउ टू मेजर। इतनी छोटी छोटी चीजों को कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए क्या है, प्रीफिक्स है। आई होप की बात क्लियर होगी प्रीफिक्स क्या होते हैं। एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक था उसमें ये मेरा पहला क्लास है, पूरी क्लासेस होंगी, पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूँ, एक बात ध्यान दे लेना, पूरी साइंस, कुछ नहीं छूटने वाला, ना आपका 11th छूटेगा, ना आपका 12th छूटेगा, ना आपका IIT छूटेगा, ना आपका NEET छूटेगा, ना आपका कोई मेडिकल एग्जाम छूटने वाला है। मेडिकल एग्जाम के लिए बायो भी अगर कहोगे, डिमांड आएगी, तो मैं बायो भी पढ़ाऊंगा, बायो भी मैं पढ़ाता हूँ। कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम है आपका, और उसमें अगर सिलेबस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, शेयर करना मत भूलना, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे मेरे लिए मोटिवेशन होगा। क्लियर है? मैं उतनी ही क्लासेस आपके लिए तेज कर दूंगा, तो ये आप पर डिपेंड है, आप कहाँ लेके जाते हो इस क्लास को, कहाँ तक स्टैंड करते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।